देखूंगी भी सही सबकी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फातिमा की माँ का यूट्यूब को अल्लाह हाफिज करने के बाद डॉक्टर अफान कैसर को मुंह तोड़ जवाब। डॉक्टर अफान कैसर, कुछ तो खुदा का खौफ करो, मेरी नन्ही सी बच्ची के ऊपर तुमने इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो कहीं पर भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगी, अब मैं ये यूट्यूब छोड़ कर जा रही हूँ। डॉक्टर अफान, तुम बहुत बुरे इंसान हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? डॉक्टर अफान कैसर ने उसके मुकाबले में फातिमा की माँ को ये बोला कि खुदा का खौफ करो, अपनी छोटी सी बच्ची को तुमने चुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, इस उम्र में तुम्हें चाहिए तुम अपनी बच्ची को स्कूल में भेजो, दीन के रास्ते चलाओ, और यहाँ पर तुमने उसको लाइफ बिठाकर गैर मर्दों के सामने बेहयाई के रास्ते पर उसको चला दिया, और 5 लाइन हासिल करने पे तुम इतनी ज़्यादा खुश हो कि कैसी माँ हो जो अपनी बेटी का मुंह काला करवा के उसको बेहयाई के रास्ते पर चलाकर 5 लाइन हासिल करके तुम खुशी महसूस कर रही हो। किस तरह के दौर में तुम अपनी बेटी को दरिंदों के सामने बिठाकर उनकी ख्वाहिशात को पूरा करके उनकी जो बेहयाई के रास्ते पर तुमने अपनी बेटी को चलाया, खुदा का खौफ करो, इस दरिंदगी के दौर में इस बेहयाई के रास्ते पर जो तुमने अपनी बेटी को चलाया उसको हटा कर कोई दीन के रास्ते पर चलाओ। फातिमा मेरी मदद करेगी, फातिमा में हमें घर बना के देगी, ये सब कुछ फातिमा करेगी, क्या खुद तुमने कुछ नहीं करना? डॉक्टर अफान कैसे ने मुँह तोड़ उसको जवाब दिया, और फातिमा की माँ ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी को बिग M6 ने और एम नुमान ने मेरी बेटी को शेयर गिफ्ट किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने इतना ज़्यादा पैसा कमाया और इतना ज़्यादा जो है मेरी बेटी ने मेरी मदद की। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन इस तरह की कमाई के ऊपर लानत है कि अपनी बेटी को लाइव बेहयाई के रास्ते पर चलाकर मुंह काला करा के, और उस वक्त अपनी बेटी को YouTube के ऊपर गंदा करके, तो फिर पैसे कमाना ला हौल वला कुव्वत है। पहली दफ़ा ऐसी माँ देखी है जो कि अपनी बेटी को लाइव बिठा के और ख़ुद साथ बैठकर उसको चौराहे के पे बिठा के लोगों के सामने और इतना ज़्यादा खुश हो रही है, और ख़ुद साथ खड़ी होकर लोगों को बता रही है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी को जो है वो लाइन मिले हैं, मेरी बेटी को जो है M6 ने जो है 4 लाइन मारे हैं और एक नुमान ने जो है 1 लाइन मारा है, और अब हमारे हालात बदल जाएंगे, तो अब हम उधर कोठी में चले जाएंगे, अब हम ये ले लेंगे। हालांकि जिन्होंने बदलना होता है वो इसी घर को बेहतर कर सकती हैं, लेकिन ये फ्रॉडन औरत थी, ये जो है चालबाज औरत थी जिसने लोगों के साथ ड्रामेबाजी की और एक कच्चा सा मकान ख़रीद कर उसमें इसने ब्लॉग बनाना शुरू किया, और उनको वायरल करने के बाद अंदर ही अंदर ये सारा पैसा जो है इसने लेकर, और आज जो है दे सबको बताती है कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। हालांकि ये सब कुछ इसके पास पहले ही था, लेकिन इसने अपनी बेटी का कुछ सहारा लेके और कुछ पहले भी इसने लोगों को लूटने का एक ढंग बना लिया। खुदारा हमें अल्लाह ताला ऐसे लोगों से माफ़ फरमाए। आप लोगों से भी इल्तमास है कि ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें, बल्कि ऐसे लोगों को आप यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करें जो कि वाकई में यूट्यूब पर नेक नीति से काम कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।